गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, मृदा कोलोइड्स के गुण। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, मृदा कोलोइड्स के गुण डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो मृदा कोलोइड्स के गुण, जो पहला गुण अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं विषमांगता। विषमांगता, विषमांगता का मतलब यहाँ पे क्या है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जो कोलोइडल विलयन होता है उसमें दो घटक उपस्थित होते हैं। कोलोइडल विलयन में क्या होते हैं, दो घटक उपस्थित होते हैं। जो पहला घटक आपके पास होता है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था। ओके, अपन ने कोलोइडल विलयन को डिटेल में स्टडी किया है। तो कोलोइडल विलयन में दो घटक होते हैं, जो पहला घटक आपके पास यहाँ पे होता है वो होता है परिक्षिप्त अवस्था, जिसको अपन विलय बोलते हैं। परिक्षिप्त अवस्था यहाँ पे किसकी जगह काम में लेते हैं, विलय की जगह काम में लेते हैं। ओके, और दूसरा आपके पास आता है परिक्षेपण माध्यम। और जो परिक्षेपण माध्यम अपन लेते हैं वो किसकी जगह यूज़ में लेते हैं, यहाँ पे विलय की जगह। आपको पता है कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलयन में कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। दोनों घटकों की अपन बात करते हैं तो एक तो विलय होता है और एक कौन सा होता है, विलायक होता है। विलय कौन सा होता है, जो कम मात्रा में होगा। विलय कौन सा होता है, जो कम मात्रा में होता है। ओके, और विलायक कौन सा होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। विलायक कौन सा लेते हैं अपन, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोलोइडल विलयन के केस में आप विलय की जगह यूज़ में लें परिक्षिप्त अवस्था, और विलय की जगह अपन यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम। ओके, विलय की जगह आपको क्या काम में लेना है, परिक्षिप्त अवस्था, और विलय की जगह क्या काम में लेना है, परिक्षेपण माध्यम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विषमांगता। यहाँ पे जो विषमांगता आ रहा है, जो पहला गुण अपन पढ़ रहे हैं, विषमांगता का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इसमें दो घटक होते हैं। पहला परिक्षिप्त अवस्था, जो कोलोइडल विलयन में क्या होगा, कम मात्रा में होगा। और दूसरा कौन सा होता है, परिक्षेपण माध्यम, जो कोलोइडल विलयन में क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड जो आपके पास गुणधर्म आता है, सेकंड गुणधर्म की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति की अगर अपन बात करते हैं तो वो किसके द्वारा दी हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन, वी कैन से रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था, उसने क्या बोला था, वो कोलोइडल विलयन पे अध्ययन कर रहा था। रॉबर्ट ब्राउन क्या कर रहा था, कोलोइडल विलयन पे अध्ययन कर रहा था, और उसने क्या देखा अंडर माइक्रोस्कोप, जब अपन इनकी स्टडी करते हैं, सपोज इस एक पात्र आपने ले रखा है, इस पात्र में आपने क्या भर रखा है, कोलोइडल विलयन। और आपको पहले से भी ऑलरेडी पता है कि जो कोलोइडल विलयन होता है वो एक गम लाइक सॉल्यूशन होते हैं, गोंद के जैसे जो विलयन होते हैं, अपने खूब सारा डिस्कस किया हुआ है कोलोइडल विलयन पे। कणों का जो आकार होता है वो भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, एक नैनोमीटर से कितना बताया था, 1000 नैनोमीटर। जो कोलोइडल विलयन होते हैं उसमें कणों की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर टू 100 मिली माइक्रोन भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो इस साइज के पार्टिकल्स इस पात्र में हैं, या आप बोल सकते हो कि इस पात्र में आपने क्या ले रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है। क्या ले रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे है गम लाइक सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन या ब्राउनियन गति की अगर अपन बात करते हैं, तो ब्राउनियन गति में क्या होता है कि वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन, जो अंडर माइक्रोस्कोप कोलोइडल विलयन पे क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। और कोलोइडल विलयन पे अध्ययन करके उसने ये बताया कि कोलोइडल जो कण होते हैं विलयन में, वो क्या करते हैं, कुछ अनियमित गति करते हैं। अनियमित का मतलब यहाँ पे इरेगुलर, उनकी जो मोशन होती है वो कुछ इरेगुलरिटी होती है। उस अनियमित गति का मतलब यहाँ पे है जिगजैग मोशन, समझना ढंग से, जिगजैग मोशन। जिगजैग का मतलब अपन बोलेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जिगजैग यहाँ पे क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही रॉबर्ट ब्राउन ने अपने नाम के आधार पे क्या नाम दे दिया,
ब्राउनियन गति नाम दे दिया, थोड़ा सा फोकस करेंगे। ब्राउनियन गति इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना है। ओके, तो ब्राउनियन गति में अपन क्या बताएंगे कि वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार कोलोडल जो कण होते हैं वो कुछ अनियमित गति करते हैं। इस अनियमित गति का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कुछ इस टाइप से मोशन करते हैं, जिगजैग जिसको अपन बोल सकते हैं। स्टेडी मेडी गति कोई अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट ब्राउन के आधार पे अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो 1 नंबर में आपको डायग्राम बनाना होगा और 1 नंबर में उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है। डेफिनेशन क्या बताना है, कोलोडल कण जो होते हैं वो स्टेडी मेडी गति करते हैं। कोलोडल कण क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। स्टेडी मेडी गति को क्या बोलते हैं अपन, ब्राउनियन गति बोलते हैं, जो किसके द्वारा एक्सप्लेन किए हुए वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ओके, बाकी जो नेक्स्ट गुणधर्म वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।